हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रशंसा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा करने के योग्य है पिता परमेश्वर, प्रशंसा करने के योग्य है पिता परमेश्वर, बढ़ाई करने के योग्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज की सुंदर से शाम दिखाई है पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर और हर एक लोगों को प्रभु जी तू संभाल कर रखा है, जीवित रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर, क्योंकि तू महान है पिता परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है, वही जो पवित्र होगा। हाँ प्रभु जी, जैसा तू पवित्र वैसे हर एक लोगों को पवित्र बना, ताकि तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम सबों को हर एक दुख से मुसीबत से संभाल कर रखा प्यारे प्रभु जी, जीवित रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। कितने तो होंगे जो आज की शाम नहीं देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, ना ही तो आज शाम का खाना देख पाए होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन तो महान है पिता परमेश्वर, जो हर एक लोगों को तो संभाल कर रखा पिता परमेश्वर, और आज की शाम दिखाई और आज शाम का खाना दिखाया पिता परमेश्वर, तो सच में महान है पिता परमेश्वर। तेरे नाम की जय जयकार हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति और बढ़ाई हो पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो रात को सोते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें गंदे ख्याल गंदे विचार आते हैं पिता परमेश्वर, मन में गंदे विचार आते हैं पिता परमेश्वर, सोच में गंदे विचार आते हैं पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम से पिता परमेश्वर, आपके खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर, वो सारी दुष्ट आत्मा का प्रभाव उनके शरीर से मनो से दूर हो सके पिता परमेश्वर, वो आजाद हो सके पिता परमेश्वर, उनके सारे बंधन खुल सके पिता परमेश्वर, और वो पूरी तरीके से हर एक बंधन से खुल के आजाद हो सके और खुल के तेरी महिमा स्तुति और बढ़ाई करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, वो तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा, अपने पवित्र स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। अगर प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में संदेह नहीं करना है कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रार्थना सुनेगा खुदा या नहीं सुनेगा। संदेह करने वाले समुद्र की लहरों के समान होते हैं, तो आप सबों को संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है, विश्वास से खुदा से प्रार्थना करो, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और अपने पवित्र स्वर्ग से तेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। संकट के दिन यहोवा को पुकारो, उसके हाथ हमेशा तैयार रहते हैं सहायता करने के लिए। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति और बढ़ाई हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, जो इस समय मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक रोग से पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से उन्हें चंगा कर पिता परमेश्वर, और जो मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उनको भी आशीष और अच्छी सी बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उनके बुद्धि को खोल पिता परमेश्वर, वो तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर और तेरा वचन को ग्रहण करे पिता परमेश्वर। प्रभु पे विश्वास करो, उसके वचन के अनुसार चलो, वो महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है, उसका ऊंचा गढ़ है। हे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी जो इस समय पिता परमेश्वर दुख में है, मुसीबत में है पिता परमेश्वर, उनकी मुसीबत को दूर करने वाला एक तू ही सच्चा परमेश्वर है, उनके हर मुसीबतों को दूर कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो रास्ते में आने जाने में पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। जो तेरा वचन नहीं पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान दे, ताकि तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़े पिता परमेश्वर और तेरे वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर, और तेरा वचन अपने लाइफ में अपने जीवन में वो लागू करने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा वचन का पालन करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है पिता परमेश्वर, तेरा वचन जीवित है पिता परमेश्वर, जो वचन के अनुसार चलेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास करो, पश्चाताप करो, तभी आपका उद्धार होगा। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को मिला है, वही हमारे पापों को अपराधों को क्षमा करता है और पूरी तरीके से धुल के शुद्ध करता है। हर मसीहों के जो अभी भी पाप है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों का पाप जो है प्रभु जी, भली भांति उनके दिल को धो के शुद्ध कर पिता परमेश्वर, वो तेरे सामने खड़े होने के योग्य बने पिता परमेश्वर।
तूने हमारे और हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर अपना पवित्र लहू बहाया है पिता परमेश्वर, हमारे और हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर तूने कोड़े खाए हैं, पलछी खाई है पिता परमेश्वर, तू सच में महान है पिता परमेश्वर, तूने अपना लहू बहा के हम सबों को मूल्य खरीदा है पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका प्रेम आपका प्यार बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर, आपके बहते उस लहू में दिखता है कि तू हमसे कितना प्रेम करता है पिता परमेश्वर, कितना प्यार करता है हर एक मसीह पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़ सके पिता परमेश्वर। जिस तरह तूने दूसरों से प्रेम किया उसी तरह हर एक लोगों को सिखाता कि वो भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने पिता परमेश्वर, हर एक जन से प्रेम करे पिता परमेश्वर और तेरे वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और बढ़ाई हमेशा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम को हर एक जन ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे सेनाओं के यहोवा तू महान है पिता परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है, तेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, तू सच में महान है पिता परमेश्वर, जो हर एक तू मुर्दों को जीवित करता है पिता परमेश्वर, तो सच में महान है पिता परमेश्वर। हम सबों को प्रभु जी बुद्धि दो और ज्ञान दे पिता परमेश्वर, और हर एक मसीह तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर, अपना मन पापों से फिराए और तेरे पीछे चले प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को पिता परमेश्वर तेरे उस लहू में मैं ढांपती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को हर एक लोग को पिता परमेश्वर तेरा उस पवित्र लहू में ढांपती हूँ ताकि शैतान की कोई परछाई ना पड़े उस पर पिता परमेश्वर, हर एक मसीह को प्रभु जी तेरे पंखों तले में छिपाती हूँ पिता परमेश्वर, उन सबों को आशीष दे पिता परमेश्वर और उन सबको बुद्धि और ज्ञान दे, तेरे प्रेम और तेरे पहचान में वो हमेशा बढ़े पिता परमेश्वर और तुझ पर विश्वास करें और तेरे पीछे चले पिता परमेश्वर, हर एक जन को हर एक लोगों को तू प्रभु जी विश्वास के योग्य बना पिता परमेश्वर, अनाथों का पिता तू है, विधवा का मुकदमा लड़ने वाला खुदा तू है, तो सच में महान है, हर एक गरीब को हर एक अनाथ को पिता परमेश्वर सबको प्रभु जी तेरे चरणों में सौंपते हो पिता परमेश्वर, तो सबको संभाल पिता परमेश्वर, अच्छा आहार दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरी प्रार्थना जो सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा ज्ञान देना बुद्धि देना पिता परमेश्वर, हर एक जन को तेरे पवित्र लहू में मैं ढांपती हूँ पिता परमेश्वर, यह छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ, आमेन।